भीख मांग के सब ला जाता, पैसा अपन लग से नहीं लगाया जाता है। इधर आवा है मौसी, एक मिनट है, कहा था भीख मांग के लाई लो। हाँ, ये भीख मांग, जैसे ये भीख, पहले हम लोग भी भीख मांगते थे दोस्तों, ये पूजा जो होता है भीख मांग के लाया जाता है, और मतलब घर घर में चावल गेहूँ भीख मांगा जाता है उसके। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज होने जा रहा दोस्तों, जैसे कि देहात में होता है कि जब जिसके यहाँ जानवर होते हैं, गाय भैंस छगड़ी बकरी बकरा, तो उनका पूजा चढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है गर्दन तूर का पूजा। और किस तरह होता है, इधर हमारी जो है मम्मी कर रही हैं, देख सकते हैं, ये नहीं दंतवास फाड़ दे। यहाँ दोस्तों जो कि इसके साथ ये देख सकते हैं, ये धार है जो कि हल्दी और कई प्रकार के चीज़ों से बनाया जाता है, भेली गुजिया पूड़ी और कपूर अगरबत्ती। और इधर ये है दोस्तों, जिसे ये कहते हैं रथ, इसको रथ कहा जाता है। और रथ का जो है अभी वो सब चीज़ जाएगा खेत में चढ़ाया जाएगा, उससे घर में क्लेश और जानवर वगैरह भी मतलब सही सलामत रहते हैं, इसके लिए किया जाता है। और उधर हमारा बेटा देखिए किस तरह दोस्तों खेल रहा है, ये देखिए मिट्टी में ऐसे ही खेलता है, ए मजा आवत है। जब तक बेटा मिट्टी में अगर खेलता नहीं, मतलब यहाँ देहात के लड़के मिट्टी में ही घूम घूम के बड़े होते हैं। बेटा ए ए अच्छा लग रहा है, आ आ। और इधर हम ले चलते हैं बाबू को, चलो चलो, यहाँ बाप के साथ चलता है वो, चलेगा दादी के साथ, चलो चलो। और ये मिट्टी मिट्टी है, लेकिन भाई बेटा है तो उठा के ले जाना पड़ेगा, और इसको ले जाते हैं इसे। इधर देखिए भाई, मतलब भैंस के ऊपर घुमाया जाएगा इस तरह, और ये हमारी वाली भैंसिया है, और अब लेके चलेंगी उसको आगे। और जहाँ होता है पूड़ी वगैरह छना गया, नहीं तो दिखाते, ये अब कहाँ ले जाइबू, अब इन छनात बा, हाई देख बाबू ले ले दे रे। अरे तो का भाई, लईकन से बढ़ के थोड़ी है बाबू, पूड़ी ले ले। यहाँ अभी दोस्तों हो रहा है, ये कहाँ करबू, कौन जगह, कौन खेते में, तो चलते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं इसे खेत में रखा जाएगा, जा बाबू, यहाँ दादी के साथ बाबू है, बाबू वहीं रहा है लाला वो देख रहा है, और इधर हट जाओ युवराज, हाँ वहीं रहो, बैठे रहो इसे, ये ले लो तुम, ये लो, हाँ उसके साथ खेलो। और अभी दोस्तों ये जो है गर्दन तूर का इसे पूजा कहते हैं, आप लोग को बताते हैं कहाँ होता है, मतलब आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग ज़रूर बताइए। और हमारे यहाँ इसको इस तरह, जो कि जानवर इस समय ही होता है, जानवर बीमार ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस तरह का पूजा किया जाता है, और सभी देवी देवताओं को मतलब चढ़ाया जाता है। इधर मेरा बेटा भी है, वो पूरी सब्जी देख रहा है, ये है रथ लगाया जाएगा, और युवराज देख रहा है कि हो क्या रहा है। बेटा ना कुछ ना करिए बेटा, हुआ ये कपूर रथ अगरबत्ती जला जाएगा, धार चढ़ाया जाएगा, वो खाना चढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ होगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे सब लोग। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट करिए, क्या इस आस्था को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, जो कि इंसान अपने लिए तो बहुत जीता, लेकिन जानवरों के लिए जो करता है वो सराहनीय काफ़ी होता है। और इस तरह देख सकते हैं, और इधर हमारा बेटा परेशान कर रहा है, थोड़ा हटा दे बाबू को, और ये प्रसाद रूपी जो है चढ़ाया जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पूड़ी छाना जा रहा है, इधर मौसी है, सुबह सुबह का भाई मौसी,
का भाई तो अनपचन वहाँ कही ले रहना है तो दोस्तों यहाँ देख सकते किस तरह पूरी छाना जरा अब जब खा ले गोरुओ खाई है अभी दोस्तों अभी जो है छगड़ियो गड़ियो तब तो उन्हें भर के हो ही तो अभी दोस्तों यहाँ देख सकते जो है पूड़ी और गुजिया भेली का जो बनाया गया है और ये दोस्तों जो पूजा किया जाता है भीख मांग के किया जाता है। अब भीख मांगने वाला भी बात करते हैं। ये देखिए भैंस को पहले खिलाया जाएगा इससे मतलब इनको जो भी कष्ट होता है भैंसों को वो सब दूर होता है। इसके लिए अब देखिए ये गेरू रहता है गेरू है ना इसको गेरू कहते हैं ये सब ऐसे लगाया जाता है सिंह में। वाह आप लोग बताइए कैसे ये चीज होता है इधर खिलाओ पड़ुआ के इधर अपने छगड़ी खिला रहे नीसू इधर खिया दे थोड़ा थोड़ा खिया ठीक है। ये चानू है दोस्तों इसका नाम रखा गया पड़वा का और भैंसिया है और ये हमारी वाली भैंसिया जो मारती है लेकिन इसको भी खिलाया जाएगा गोझिया और पूड़ी। अरे वो खियाई गर्दन तुर का पूजा और इधर हमारी बीवी मालती है बोलो दुर्गा मैया की दुर्गा मैया की बस ये मुंगे ना जे कर अच्छा ये के जान तो का कह जाला ये गर्दन तुर का पूजा है और हाँ हाँ ऐसे गर्दन या ऐसे तुर के तक पागल गर्दन तुर इसको कहा जाता है और इसको भीख मांग के सब लाया जाता है पैसा अपन अलग से नहीं लगाया जाता है। इधर आवा है मौसी एक मिनट है कहा था भीख मांग के लाई लो हाँ ये भीख मांग जैसे ये भीख पहले हम लोग भी भीख मांगते थे दोस्तों ये पूजा जो होता है भीख मांग के लाया जाता है और मतलब घर घर में चावल गेहूँ भीख मांगा जाता है उसके बाद तब मिलता है तब उसके बाद मतलब उसको। और इधर पूड़ी है इधर है गुजिया अब हम गुजिया ले रहे हैं दोस्तों हमसे वो नहीं और इधर ये देखिए हम खाने जा रहे हैं काहे कि अब देवी देवता लोग खा लिए तो हम खा रहे हैं अच्छा है बाकी मौसी भिखिया के मांगे गई लहाल भिखिया के मांगे गई लहाल का भिखिया के मांगे गई लहाल अम्मा अच्छा हमारी अम्मा इसकी सासू अम्मा भीख मांगने गई थी